हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? कई बार क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में, पेन ड्राइव में, एसएसडी कार्ड में शॉर्टकट वायरस आ जाता है। जो आज की हमारी वीडियो रहेगी, इस शॉर्टकट वायरस की वजह से जो हमारा सारा डाटा, जैसे आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, जो हमारा सारा डाटा शॉर्टकट्स में कन्वर्ट हो चुका है, उसे हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। और ये जो ट्रिक है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर हमने किसी सॉफ्टवेयर को नहीं यूज करना, कोई थर्ड पार्टी टूल नहीं यूज कर रहे। हमारे विंडोज में ऑलरेडी एक प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होता है, जिसकी हेल्प से हम शॉर्टकट वायरस की वजह से जो हमारा डाटा शो नहीं हो रहा है, उसे हम रिकवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करना, और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और इसे एंड तक देखें। और एंड में अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह के टेक्निकल वीडियोस की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो की तरफ। जैसे आप देख रहे हैं, मैं अपने दिस पीसी में, माई कंप्यूटर में हूँ, और यहाँ पर हमारी ये एच ड्राइव कनेक्टेड है, जो कि हमारी एक पेन ड्राइव है और शॉर्टकट वायरस से इन्फेक्टेड। तो आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप, चलो जो आपको जब पता नहीं था आपने इसे ओपन कर लिया, देन ओके। बट अब आपने अपनी पेन ड्राइव को ओपन नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसे ओपन करेंगे और यहां से अगर आप डाटे को कॉपी पेस्ट करते हो अपने कंप्यूटर की किसी ड्राइव में, तो हो सकता है कि आपकी हार्ड ड्राइव में भी ये शॉर्टकट वायरस आ जाए। तो हमने करना क्या फ्रेंड्स, आपने सिंपली यहाँ पर अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है। आप अपने गूगल क्रोम को ओपन कीजिए, और उससे पहले हमने देख लेना है कि हमारी जो यूएसबी ड्राइव है, इसका ड्राइव लेटर कौन सा है। यहाँ पर हमें इसे एच ड्राइव लेटर असाइंड है, तो आपने यहाँ पर सिंपली टाइप करना है अपने ड्राइव लेटर को, और साथ में आप स्लैश प्रेस करेंगे। आप चाहे यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश यूज कर लीजिए, चाहे आप बैकवर्ड स्लैश यूज कर लीजिए, एच कॉलन फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर हमारा सारा डाटा शो हो चुका है। अब आपने जिस जिस डाटे को सेव करना है, आप जिस डाटे का बैकअप करना चाहते हैं, जिसे आप रिकवर करना चाहते हैं, उसे आप राइट क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ सेव लिंक एज पर क्लिक करेंगे। तो आप देख रहे हो ये हमारी जेपीजी फाइल थी, और ये यहाँ पर भी जेपीजी फाइल ही सेव हो रही है। तो हम यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, न्यू फोल्डर पर क्लिक करके मैंने डाटा बैकअप रख लिया इस फोल्डर का नेम, और इसे मैं सेव कर लूंगा। तो आपने जो जो डाटा आपको चाहिए उस फोल्डर को आप ओपन करके चेक कर लीजिए कि उसमें डाटा है या नहीं है। जैसे इस फाइल में कैमरा का जो हमारा फोल्डर है उसमें डाटा पड़ा है, तो आपने सिंपली इसे राइट क्लिक करना है, सेव लिंक एज करके आप इसे सेव कर लेंगे। बस यहाँ पर हमारे पास एक ड्रॉबैक क्या कि आप फोल्डर को सेव नहीं कर सकते। जैसे आप देख रहे हो मैंने कैमरा फोल्डर पर राइट क्लिक करके सेव लिंक एज किया, तो यहाँ पर हमें HTML फाइल शो हो रही है। तो आपको फ्रेंड यहाँ पर एक एक दो दो करके अपनी इन फाइल्स को सेव करना हो, तो मैं यहाँ पर मल्टी को एक बार सिलेक्ट करके सेव करने की कोशिश करके आपको एक बार दिखाता हूँ कि क्या ये पॉसिबल हो पाता है। नो, तो हम मल्टीपल फाइल्स को भी नहीं सेव कर पाएंगे, हमें एक एक करके ही अपनी फाइल्स को सेव करना होगा। बट यहाँ पर आपकी थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, पर जो आपका डाटा इस समय शो नहीं हो रहा, जो कि लॉस्ट हो चुका है शॉर्टकट वायरस की वजह से, वो आपका यहाँ से सारा रिकवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी, वो हम इस टॉपिक पर बनाएंगे कि हम कैसे अपने शॉर्टकट वायरस को रिमूव कर सकते हैं अपनी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में से। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और जो नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।